उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में जो कि एक किशनपुर नगर पंचायत है, वहाँ पे वार्षिक उत्सव रामलीला का होता है। तो इस वर्ष 2021 में 238वां वार्षिक उत्सव प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि 9 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। मुकुट पूजा 9 अक्टूबर, विश्वामित्र याचना या ताड़काबद्ध 10 अक्टूबर को, अहिल्या उद्धार जनक बाजार फुलवारी लीला 11 अक्टूबर को, धनुष भंग परशुराम संवाद जो कि है 12 अक्टूबर को, राम वनवास है 13 अक्टूबर को, राम गंगा वतरण चित्रकूट भरत मिलाप 14 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को सीता जी अनसुईया उपदेश है सीता हरण 16 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को राम सुग्रीव मिलाप लंका दहन 18, सेतु बंधन 19 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को रावण वध जिस दिन मूर्ति निकलेंगी, विभीषण अभिषेक 22 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर को दंगल है, 24 अक्टूबर को भी दंगल है, 25 अक्टूबर को राम राज्यभिषेक है, नौटंकी हनुमानगढ़ी नौटंकी रामगढ़ी से होगी जो कि अंत में होगा। तो ये आप विवरण देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपको दुकान लगाना है तो आपको इस नियम का पालन पालन करना होगा, जो कि आप इसमें नंबर दिए हुए हैं आप बात कर सकते हैं। तो इस बार यही इसका चार्ट है जो आया है आपको मैंने दिखाया है, तो आप इसको अभी फिर से देख सकते हैं वीडियो रिव्यू करके। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप खुद पढ़ लीजिए, अगर डेट में मिसमैच हुई हो तो आप अपना मिलान कर लीजिएगा। तो यही है चार्ट किशनपुर के इस बार मेले के आयोजन का। 238वां वार्षिक उत्सव है जो कि कोरोना काल में नहीं हो रहा था मेला सही से, इस बार अच्छा मेला होगा। तो अगर आपको समय मिले तो 20 अक्टूबर को जो कि रावण वध है उस दिन जुलूस और मूर्तियां निकलती हैं, तो उस दिन रात को ज़रूर आइएगा, क्योंकि रात में 20 अक्टूबर को ही सुबह में मूर्तियां निकलेंगी।